हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस में, जो हमारा लास्ट लाइफ प्रोसेस है, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सक्रिएशन इज नॉट जस्ट अबाउट शिट। कि जब एक्सक्रिएशन वर्ड आता है तो कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, तो हमारे माइंड में एक ही जो है आप थॉट आता है कि यूरिन, यानी कि यूरिन के थ्रू या पॉटी के थ्रू जो हम वेस्ट जो है रिमूव कर रहे हैं, दैट इज एक्सक्रिएशन। तो स्टूडेंट, एक्सक्रिएशन हैज अ ब्रॉड मीनिंग, रिमूवल ऑफ द गैसियस फेज, जो कि हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस में किया, जो CO2 जो हम जब एक्सेल कर रहे हैं तो बॉडी से CO2 को थ्रो आउट कर रहे हैं, तो CO2 भी हमारा क्या वेस्ट है, गैसियस वेस्ट है, और उसको हम बॉडी से थ्रो आउट कर रहे हैं, तो डेट इज ऑल्सो द एक्सक्रिएशन। उसी तरह से हमें स्वेटिंग, पसीना आता है, तो उससे भी क्या है, हमारा जो वेस्ट है, जो आपके टॉक्सिक्स हैं, वो बॉडी से बाहर निकलते हैं, तो वो भी आपका क्या है, एक्सक्रिएशन है। तो द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। मेटाबॉलिक वेस्ट मे बी योर गैसियस वेस्ट, मे बी योर नाइट्रोजीनियस वेस्ट, मे बी योर स्वेटिंग, राइट। लेकिन बिकॉज गैसियस वेस्ट के बारे में और बिकॉज गैसियस वेस्ट के बारे में हम पहले ही जो है डिस्कस कर चुके हैं, तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट लाइक योर अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, दीज आर ऑल द नाइट्रोजीनियस वेस्ट डैट वी हैव टू रिमूव फ्रॉम अवर बॉडी। अब ये जो हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, इसके रिमूवल के लिए जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उसमें कौन कौन से आपके जो हैं उसमें ऑर्गन्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। सो एक्सक्रेटरी सिस्टम में आपका आता है ए पेयर ऑफ किडनीज, ये दो आपको जो है शीर की सेप के जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, डेट्स आर योर किडनीज, दैट इज योर राइट किडनी एंड दैट इज योर लेफ्ट किडनी। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, दीज लॉन्ग ट्यूब्स है ना, दीज लॉन्ग ट्यूब जो किडनी से जो है आपकी यहाँ पे आ रही है, डेट आर कॉल्ड द यूरेटर, एंड दैट इज योर राइट यूरेटर, जो आपका राइट किडनी से आएगा डैट इज योर राइट यूरेटर, जो आपका लेफ्ट किडनी से आएगा डैट इज योर लेफ्ट यूरेटर। देन ये जो है जहाँ पर ये आपका यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, ये आपको जो यहाँ पे एक मतलब कि एक क्या कहेंगे, एक सैक टाइप का, एक बोरे की शेप का जो दिख रहा है ना, जहाँ पे ये सब आके इकट्ठा होगा, दैट इज योर यूरिनरी ब्लेडर, जहां पे आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो है आके वहां पर आपका स्टोर होगा। देन द लास्ट इज योर यूरेथ्रा, जहां से जो है हम पासिंग आउट करेंगे, दैट इज योर यूरेथ्रा। सो यूरिनरी ब्लेडर, जहाँ पे आपका जो है वेस्ट प्रोडक्ट आके स्टोर होगा, और जब प्रेशर जो है जब प्रेशर लगेगा है ना, तो देन हम जो है यूरेथ्रा के थ्रू जो है वेस्ट प्रोडक्ट को जो है अपनी बॉडी से थ्रो आउट कर देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सक्रेटरी सिस्टम। सो ये थे आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से ऑर्गन्स आपके इंक्लूडेड हैं। अब देखते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको ये दो किडनी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी, दैट्स राइट किडनी। अब देखिए ये जो राइट किडनी है, ये जो है इससे थोड़ा सा नीचे है, बिकॉज इस साइड में होता है हमारा लीवर, सो ये हम ये जो है थोड़ा सा इस किडनी से जो है कंपेयर में थोड़ा नीचे है, और साइज में भी थोड़ी छोटी है इन कंपेरिजन टू द लेफ्ट किडनी। नेक्स्ट, अब ये वर्किंग कैसे है, देखिए ये है आपकी रेनल आर्टरी, रेनल इज रिलेटेड टू योर किडनी, तो जो रेनल आर्टरी में जो ब्लड को लेके आएगी, ब्लड में है, बिकॉज जैसे कि हमने बात की कनेक्टिंग टिश्यू क्या है, ब्लड है ना, तो ब्लड के थ्रू ही हमारा जो वेस्ट है वो आपका किडनी तक आएगा, और जिस ब्लड वेसल के थ्रू आएगा उसको, डेट इज योर रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी के थ्रू जो है आपका वेस्ट जो है आपका इन दोनों किडनीज में आएगा। देन क्या होगा कि जो आपका ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन होगा, उसमें से जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका जो है उसमें से फिल्टर आउट कर दिया जाएगा, और जो आपका अब जो प्योर ब्लड होगा है ना, जो प्योरिफाइड ब्लड ब्लड होगा वो आपका यहाँ रेनल रेनल वेन के थ्रू, अब यहाँ से
फिल्टर आउट हुआ, देन रेनल वेन के थ्रू वो जो है आपका वापस चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेनल आर्टरी के थ्रू ब्लड, इम्प्योर ब्लड आएगा जिसमें आपका जो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा, देन जो है वो आपका यहाँ पे प्योरीफाई होगी रेनल वेन के थ्रू जो है आपका वापस चला जाएगा, और जो आपका वेस्ट जो यहाँ पे फिल्टर आउट हुआ है वो अब जो है वो आपका इन ये जो लॉन्ग ट्यूब्स हैं जो आपके यूरेटर हैं, इन यूरेटर्स के थ्रू जो है वो आपका पहुँचा दिया जाएगा यूरिनरी ब्लेडर में, एंड देन यूरेट्रा के थ्रू जो है वो आपका बॉडी से थ्रोन आउट कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका मेन जो यहाँ पे वर्किंग है वो है आपकी किडनी की, जैसे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो लंग्स हैं वो ब्लड को प्योरीफाई कर रहे थे CO2 को उसमें से एक्सट्रैक्ट करके और उसको बॉडी से थ्रोन आउट करके, उसी तरह से यहाँ पर जो आपकी किडनीज हैं वो यहाँ पे ब्लड को प्योरीफाई कर रही हैं उसमें से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको फिल्टर आउट करके। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो किडनी है वो किस तरह से फिल्ट्रेशन करती हैं। तो देखिए जो आपकी ये किडनीज हैं उसमें जो है मिलियंस ऑफ जो है आपकी कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं, कैपिलरी ट्यूब्स विद द विद ए कप एंड शेप, जिस तरह से ये है एक यू शेप में की जो है इसमें मिलियंस ऑफ ट्यूब्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, जो कि इसकी जो है बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है, फंक्शनिंग स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग यूनिट है जिसके थ्रू आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो किडनी की फंक्शनिंग समझने मतलब है कि हमें नेफ्रॉन का जो है फंक्शनिंग उसका स्ट्रक्चर पता हो कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो देखते हैं कि जो नेफ्रॉन है वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से वो फिल्ट्रेशन करता है। तो स्टूडेंट देखिए ये जो आपको यहाँ पे पासेस दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एफेरेंट आर्ट्रियोल। एफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू जो है आपका जो इम्प्योर ब्लड है वो जो है एंटर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है डेट इज कॉल्ड बॉमन्स कैप्सूल, और ये जो यहाँ पर आपको ये जो आपको ये इस तरह के जो आपको दिखाई दे रहे हैं डेट आर कॉल्ड ग्लूमेरुलस। तो यहाँ पर क्या होगा अब, ठीक है, डेट आर कॉल्ड ग्लूमेरुलस। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अब जो है आपका जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन होगा, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा जो यहाँ पे आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा वो ग्लूमेरुलस के थ्रू जो है कि हेल्प से जो है इस ट्यूब में जो है उसको भेज दिया जाएगा, और जो आपका ब्लड होगा, ब्लड आपका वापस ये जो आपको यहाँ पर ये वाला जो पासेस दिख रहा है डेट इज कॉल्ड एफेरेंट आर्ट्रियोल, इसके थ्रू जो है आपका जो फिल्टर्ड ब्लड है वो आपका जो है वापस भेज दिया जाएगा। और देखिए ये वाला जो पासेज है ये थोड़े वाइड होगी, ठीक है, और ये वाला जो पासेज है जहाँ से ब्लड को वापस भेजा जाएगा यानी कि जो आपकी एफेरेंट आर्ट्रियोल है वो थोड़ी नैरो होगी, जिससे कि जो यहाँ पे है जो आपका ब्लड है वो प्रेशर के साथ जो है आपका बॉडी में वापस भेजा जा सके। ठीक है, राइट, तो ये आपको पासेज समझ में आया। एफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड एंटर करेगा, एफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू जो है जो फिल्टर ब्लड है वो वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, और वो यहाँ कहाँ पे होगा, यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में बॉमन्स कैप्सूल में। अब जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है अब वो देखिए वो अब इस ये जो इतनी लंबी जो ट्यूब आपको दिख रही है इससे जो है वो पास होके देन वो कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। ठीक है, अब ये जो इतनी लंबी जो पासेज जो यहाँ बनाई गई है वो उसके बनाने के पीछे पर्पस क्या है, तो देखिए फिल्ट्रेशन हो गया, सेकंड जो यहाँ पे नेफ्रॉन की वर्किंग है रीअब्सॉर्प्शन की, तो यहाँ पे ये रीअब्सॉर्ब करेगा किसे, देखिए जो आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसमें कुछ आपके यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया या एमिनो एसिड्स हो गए और काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अमाउंट में इसमें वाटर भी होगा। तो जो ये जो लॉन्ग ट्यूब है जब ये जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट जब इसके थ्रू पास होगा तो जब पासिस के टाइम पे ही क्या है कि ये जो आपके यूजफुल जो आपके मटेरियल्स हैं जो और जो वाटर है वो आपका अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड जितनी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके रीअब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रीअब्सॉर्प्शन होगा, पहले फिल्ट्रेशन हुआ देन आपका यहाँ पर आपका रीअब्सॉर्प्शन होगा, देन वो जब आपका फाइनल जो आपका वेस्ट आफ्टर रीअब्सॉर्प्शन जो आपका वेस्ट जो बचा है ना नाइट्रोजीनियस वेस्ट वो आपका एंटर करेगा इस कलेक्टिंग डक्ट में,
और इस कलेक्टिंग डक्ट से देन वो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट्स में इकट्ठा होके देन वो जो है इस यूरेटर के थ्रू जो है आपका यूरिनरी ब्लेडर, और यूरिनरी ब्लेडर से देन जो है वो आपका यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वर्किंग समझ में आई। पहले यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन, अब जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट आया उसमें से जो है जो आपके यूजफुल सब्सटेंस उनका रीअब्सॉर्प्शन, एंड देन फाइनली जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो यूरिन जो है आपका उसको जो है यूरेट्रा के थ्रू, उसको जो है यूरेटर के थ्रू जो है यूरिनरी ब्लेडर में भेजना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका व्हाट इज द एक्सक्रिएशन, डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रिएशन, एंड दैट इज अबाउट द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। और एक्सक्रिएटरी सिस्टम में फर्दर जो आपकी किडनीज में जो आपकी बेसिक फंक्शनल और जो स्ट्रक्चरल यूनिट है डेटोल कॉल्ड नेफ्रोन, उनकी वर्किंग कैसे है, कैसे फिल्ट्रेशन होगा उसके बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके ये यहाँ से नोट कर लें, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज आर्टिफिशियल किडनी। सो दैट इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो आप फटाफट इसको नोट करें। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम आ रहा है यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी, एंड दैट इज कॉल्ड हेमोडायलिसिस। तो देखिए, आपने सुना होगा कि किसी पर्सन की जो है किडनी जो है वो वर्क नहीं करी है, किडनी ने काम करना बंद कर दिया। तो ये क्या है कि जब आपकी किडनी जो है वो आपकी आप जो फिल्ट्रेशन है वो प्रॉपरली नहीं करती हैं या बिल्कुल जो है फिल्ट्रेशन करना बंद कर दें, तो उस केस में क्या होगा कि जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो आपका ब्लड में है वो आपका जो है उसमें से फिल्टर आउट नहीं हो पाएगा। और देन क्या है, वो जो वेस्ट जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जो कि टॉक्सिक है, पॉइजनस है ना, वो आपके ब्लड में जो है उसका कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, और इवन जो है देन जो है उस पर्सन की जो है डेथ भी हो सकती है। तो इस केस में जो है एक एक ऑप्शन तो हमारे पास होता है कि ट्रांसप्लांट। आपने सुना भी होगा कि किसी पर्सन की जो है किडनीज जो है खराब होगी और देन किसी रिलेटिव ने उसको डोनेट किया है ना, तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ट्रांसप्लांट का है। सेकंड इज योर आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी में देखिए क्या होता है, तो ये आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी का दिखाया गया है। तो जैसे आपकी जो किडनी है वो जो है उसमें जो ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है फिल्टर आउट करती है, वैसे यहाँ पे क्या है, देखिए ये पर्सन है ना, कितना प्यारा कितना क्यूट सा है। तो देखिए इसको बेचारे की जो किडनी जो है वो खराब हो गई है, एंड ही इज सैड है ना। तो देखिए अब क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ से एक ट्यूब गई फ्रॉम हिज आर्टरी, जो जहाँ से जो जहाँ से ब्लड आता, जहाँ से ब्लड लेंगे डेट इज कॉल्ड आर्टरी। तो यहाँ से ये लाइन गई, ठीक है, ये अब कहाँ पे जा रही है, इस टैंक में जा रही है। अब इसमें टैंक में क्या है, देयर आर द ट्यूब्स, दीज ट्यूब्स आर परमेबल, ट्यूबिंग मेड ऑफ सेलेक्टिवली परमेबल मैम्ब्रेन, परमेबल परमेबल जिससे कि पास हो सके, ठीक है, मतलब कि बहुत ही टीनी पॉर्स जो है उसमें होंगे। तो इस तरह की ट्यूब्स यहां पर होंगी, तो ये पूरा टैंक, और इस टैंक के अंदर ये ट्यूब्स रखी हुई है, और इस टैंक में जो है आप जो है इसमें डायलिसिंग सॉल्यूशन भर देंगे। में हमने क्या फिल किया, और डायलिसिंग सॉल्यूशन, डायलिसिंग सॉल्यूशन हमें इस तरह से सिलेक्ट करना है कि उसका ऑस्मेटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मेटिक प्रेशर के इक्वल हो, राइट। तो यहां पे हैविंग ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर इक्वल टू ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ वाटर, ऑफ, ठीक है भाई, तो ऑस्मेटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मेटिक प्रेशर के इक्वल हो। ऑस्मेटिक प्रेशर आपको पता है ना कि जिस ऑस्मेटिक प्रेशर जिसकी वजह से जो आपका ब्लड है वो आपका, बिकॉज दीज आर द परमेबल मेम्ब्रेन, तो वो ब्लड जो है आपका इस ट्यूब में से जो है बाहर बाहर की तरफ ना निकले, और वो ट्यूब्स में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है मूव करता रहे। फॉर दिस ये जरूरी है कि उसका जो डायलिसिंग सॉल्यूशन आप ले रहे हैं और जो ब्लड है उन दोनों का ऑस्मेटिक प्रेशर इक्वल हो। यहाँ से ये ब्लड आ रहा है, ये ट्यूब्स में जो है आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड होंगी, यहाँ पे यहाँ पर ये आपस में कनेक्टेड होंगी, ठीक है भाई,
ठीक है, तो ये जो है ब्लड यहाँ पे जब आपका फ्लो करेगा तो क्या है, बिकॉज दोनों का ऑस्मेटिक प्रेशर, तो देखिए ऑस्मेटिक प्रेशर तो इक्वल है, लेकिन क्या है कि जो आपका ब्लड है उसमें आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, जिससे कि वहाँ पर कंसंट्रेशन हाई होगी। तो जैसे कि हमने पहले ही बात की, जो सॉल्यूट है यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वो क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी क्या है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने की। तो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जब वो राइट, तो जो ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जो ब्लड के साथ फ्लो कर रहा है, वो इन जो आपकी परमेबल मेम्ब्रेन्स हैं इनके थ्रू जो है आपका ब्लड से कहाँ जाएगा, जो जो आपका डायलेसिंग सॉल्यूशन है उसमें, राइट। तो इस तरह से क्या है, जैसे ब्लड आपका पास होता रहेगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है यहाँ डायलेसिंग सॉल्यूशन में जाता रहेगा, और इस तरह से ब्लड आपका प्योरीफाई होता रहेगा, और ये प्योरीफाई ब्लड देन जो है आपका अगेन जो है जो पर्सन है ठीक है, जिसकी किडनी जो है वर्क नहीं कर रही है, उसको वापस प्योरीफाई ब्लड्स को भेज दिया जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन यहाँ से आप इसमें डाल दें, बिकॉज क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पर ये ब्लड पास होगा, जैसे जैसे इसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो फिल्टर आउट हो रहा है, वैसे वैसे ये डायलिसिंग सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका यहाँ पे जो है इम्प्योर हो रहा है, इसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट आपका जो है इसमें मिक्सअप हो रहा है, तो वो आपको जो है इसमें से निकालते रहना होगा और फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन इसमें डालते रहना होगा। तो यहाँ से जो है डायलिसिंग सॉल्यूशन इसमें आप फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन डालते रहेंगे, और जो ये आपका यहाँ पर जो आपका डायलिसिंग सॉल्यूशन होगा विद यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट है ना, वो आप जो है जो यहाँ पे यूज्ड अप जो आपने यूज करे डायलिसिस सॉल्यूशन, वो आप यहाँ से जो है निकालते रहेंगे। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस आपका चलेगा आर्टिफिशियल किडनीज का, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस, तो ये प्रोसेस कुछ इसी तरह जैसे किडनी में, ठीक है, आप ट्यूब्स में जो आपका फ्लो करता है, जिसमें आपका ब्लड जो है वो आपका प्योरीफाई होता रहेगा, ठीक है, और देन वो वापस आपका जो है बॉडी में भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर वन थिंग इज मिसिंग, दैट इज द रीअब्सॉर्प्शन, बिकॉज जो ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट फिल्टर आउट हुआ है उसमें कुछ आपके यूजफुल सब्सटेंसेस भी होंगे, लेकिन उसको रीअब्सॉर्ब करने का हमारे पास यहाँ पे कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन इज मिसिंग, अदरवाइज इट इज वर्किंग, इट्स वर्किंग इज सेम एज अवर किडनी, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द आर्टिफिशियल किडनी, और वी कैन से हेमोडायलिसिस। अब बात करते हैं एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स, जैसे कि हम यहाँ पे ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स का लेके चल रहे हैं, तो एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स में, अब जो प्लांट्स हैं वो कैसे एक्सक्रिएशन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू प्लांट्स जो है एक्सक्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि हम जो है CO2 को थ्रोन आउट करते हैं, दैट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर अस, उसी तरह से जो आपका ऑक्सीजन हो सकती है या CO2 हो सकती है, दोनों ही हो सकती हैं। फोटोसिंथेसिस में आपकी ऑक्सीजन जो है वो आपकी, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में आपकी ऑक्सीजन जो है वे वहाँ पे निकाल रहे हैं, एंड रेस्पिरेशन में CO2, तो ऑक्सीजन एंड CO2, तो वो आपको पता है ऑक्सीजन तो क्या है, वो रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेंगे, और जो CO2 वहाँ पर आपकी रेस्पिरेशन उसको वो यूज अप कर ले फोटोसिंथेसिस में, तो ठीक है। और दूसरा फिर यहाँ वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, टीनी पोर्स के थ्रू, तो वो तो एक्सक्रिएशन आपका टीनी पोर्स में हो रहा है। फिर दूसरा तरीका जो एक्सेस वाटर है वो वहाँ पे कैसे रिमूव हो रहा है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो एक्स्ट्रा वाटर वहाँ है, एक्सेसिव वाटर है, वो वहाँ पे आपका जो है वहाँ से आपका रिलीज हो जाता है। फिर जो कुछ आपका जो एक्सक्रिएशन वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका इन द फॉर्म ऑफ डेड सेल्स या इन द फॉर्म ऑफ लीव्स, जो आपके डेड सेल्स हैं या जो लीव्स हैं, लीव्स देखा होगा आपकी जो है वो झड़ती रहती हैं, तो वो क्या है कि उसमें जो है आपका वेस्ट प्रोडक्ट उनमें इकट्ठा होता रहता है, और देन जो है वो आपकी जो लीव्स हैं वो आपकी फॉल आउट हो जाती हैं, गिर जाती हैं, तो इस तरह से लीव्स के थ्रू भी वो जो है अपना वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट करते हैं, एंड इन द फॉर्म ऑफ रेसिन्स और गम्स। देखिए गम्स जो हम यूज़ करते हैं है ना, वो भी आपकी कहाँ से बनती हैं, प्लांट से, तो वो भी एक तरीके से प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है जो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक्सक्रिएट इनटू द सोयल, कुछ प्लांट्स के क्या करते हैं, जो सोयल है उनके आसपास की उसमें जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो उसमें एक्सक्रिएट कर देते हैं। ये प्लांट्स के कुछ अपने तरीके हैं जिसके थ्रू वो जो है एक्सक्रिएशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक था, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स। आई होप कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर्स जो है इस चैप्टर के पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे,
और फिर भी कोई आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।